दोस्तों नमस्कार। अक्सर हम लोग देखते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कैरियर की शुरुआत करने वाला व्यक्ति दवाई कंपनी के बारे में या दवाई कंपनी के मालिक बनने के सपने नहीं देखते, लेकिन इससे उलट मेरठ के एक लड़के ने ना सिर्फ सपने देखे बल्कि उस सपने को साकार करने के लिए जी जान से मेहनत करनी शुरू कर दी। और आज के समय में वो शख्स ना सिर्फ उस कंपनी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है बल्कि फार्मा सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों में उस कंपनी का शुमार किया जाता है। इसके साथ ही साथ उस कंपनी में अभी 15,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और 18 से ज़्यादा कंपनी जो है उसके अंडर आती है। आज हम बात कर रहे हैं रमेश जुनेजा की। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी शख्स के बारे में, पूरी कहानी किस तरह से बनाया उसने भारत के नंबर 1 कंपनी मैनकाइंड को और क्या रहा उनके स्ट्रगल का दौर। तो आज के इस वीडियो को देखते रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि ये कहानी आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज ला सकती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आनंद कुमार, फाउंडर एंड बिजनेस कोच स्टार्टअप अथॉरिटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप, न्यू आइडियाज और फ्रेंचाइजीज के बारे में अक्सर बात करता रहता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले करूंगा रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, जो मोटिवेट करता है हमें कि इसी तरह के वीडियोज को रिसर्च करके आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है राकेश जुनेजा की कहानी। राकेश जुनेजा ने जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया तो यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद से, यूनिवर्सिटी में अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद से उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लूपिंग कंपनी को ज्वाइन किया। लूपिंग कंपनी में काम करते करते एक समय के बाद से उनकी मुलाकात उस कंपनी के फाउंडर एंड डायरेक्टर देशबंधु जी से हुई और मिलने के साथ साथ उनके सोचने की जो पावर थी, सोचने की जो क्षमता थी, वो पूरी तरीके से बदल गई और उन्होंने एक मालिक की तरह सोचना शुरू किया। और 1984 में उन्होंने अपने जॉब को रिजाइन किया और अपने कंपनी की शुरुआत करी जो अपने भाई और अपने निफेव के साथ किया, और वो कंपनी थी बेस्टोकेम, जो मेडिसिन की कंपनी थी और मेडिकल प्रोडक्ट बनाती थी। अभी ये दौर ही चल रहा था कि हापुड़ में एक घटना हुई और उस घटना ने उनके ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। और ये घटना थी कि जब वो मेडिकल स्टोर के पास खड़े थे तो उस मेडिकल स्टोर के पास ही उनके बगल में एक बंदा आया अपने वाइफ के साथ और उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी थी, यानी टीबी की बीमारी थी। और उस दौर में आज के दौर से ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि उस वक्त दवाइयाँ इतनी सस्ती नहीं हुआ करती थी, और अगर बात कहें, अगर यूं कहें तो दवाई उपलब्ध ही बहुत कम हुआ करती थी। ऐसे में उसने दवाई के लिए अपने झोले में से पीतल के बर्तन निकाले और उन्होंने कहा कि मुझे दवाई चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और उस सिचुएशन को देख करके इनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। और दोस्तों हुआ यूँ कि उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि अगर हम इन लोगों को या ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं और किफ़ायती और सस्ती रेट में अगर दवाई उपलब्ध करवा दिया जाए तो यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को भुनाने की कोशिश करी, लेकिन समस्या ये था कि इतनी सस्ती मेडिसिन बनेगी तो कैसे बनेगी। तो इस बात पर रमेश जुनेजा जी कहते हैं कि अक्सर आप टेलीविजन में देखते होंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जब प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं तो उसकी प्राइसेस बहुत हाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उसके प्राइसेस रिड्यूस हो जाती है। और ये चीज़ मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत पहले से चल रही थी और उन्होंने इसी पॉइंट को पकड़ा और मेडिसिन के रेट को सस्ते बना करके मार्केट में बेचना शुरू करा। लेकिन आज ये भी कहते हैं कि मेडिसिन को सिर्फ बनाना ही हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बनाने को तो हर कोई बना सकता है, मेडिसिन को बेचने की कला आनी चाहिए। और इसी वजह से जब 1994 में इन्होंने अपनी कंपनी को ड्रॉप किया था और अपनी नई कंपनी की शुरुआत करी थी जिसका नाम था मैनकाइंड, उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी के अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया जो 20 से 22 लोगों की टीम थी, और उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया प्रिस्क्रिप्शन पे। और दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि मेडिकल कंपनी के अंदर या मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स को कनेक्ट करते हैं। इन्होंने बड़े डॉक्टर्स को कनेक्ट ना करने के बजाय इन्होंने छोटे डॉक्टरों को कनेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि छोटे डॉक्टर्स इनके प्रोडक्ट को अफोर्डेबल रेंज में अधिक जल्दी से उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इन्होंने इसी से अपने काम की शुरुआत करी। और इनके बिजनेस का जो सबसे बड़ा फंडा था वो ये था कि जो भी इनके बिजनेस से प्रॉफिट निकल के आता है उस प्रॉफिट को खर्च करने के बजाय उसी में री इन्वेस्ट किया जाए, और धीरे धीरे उसी को री इन्वेस्ट करते करते इनकी टीम जो है वो बढ़ती चली गई और आज के समय में ये कंपनी 15,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुकी है।
और 18 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इवन आज के समय में यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो काम करनी शुरू कर चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत से लेकर के और मैनकाइंड को नंबर वन ब्रांड बनाने तक काम किया। इसके अलावा जब ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया तो इन्होंने और तरह के प्रोडक्ट लाए, जैसे कि कॉन्डोम्स, इसके अलावा जो प्रेगा न्यूज है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स इन्होंने मार्केट में लॉन्च किए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। और इसके साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजिंग की दुनिया में भी बहुत तहलके तरीके से बहुत धमाकेदार एंट्री की, बहुत धमाकेदार तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। एक समय था जब सेक्स के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में लोग बातें नहीं करते थे, उस वक्त इन्होंने मैनकाइंड को टीवी के जरिए कंडोम्स का प्रचार करना शुरू किया और उस वक्त ये जो प्रोडक्ट थी ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई। और दोस्तों जैसे ही ये प्रचलित हुई, इन्होंने प्रेगा न्यूज का किट लॉन्च किया और ये प्रेगा न्यूज उसी तरह से पॉपुलर हुआ जिस तरह से इनका कंडोम था। और आज के समय में आप देख रहे होंगे कि सनी लियोनी से लेकर के बड़े बड़े ब्रांड भी इनकी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से एक छोटी सी शुरुआत करके पैसे को री इन्वेस्ट करने के मॉडल पे काम करके एक ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ के जो प्रॉब्लम एक्चुअल में मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं थी, कैसे मार्केट के अंदर सॉल्व किया और फिर उस प्रॉब्लम से बहुत बेहतरीन और बहुत बड़े मार्केट की नींव रखी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये समझ में आया होगा प्रोसेस कि आखिर किस तरीके से या क्या तरीका हो सकता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यूज को शेयर करिएगा। और इस तरह के तमाम वीडियोज को देखने के लिए हमारे इस चैनल स्टार्टअप अथॉरिटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, लाइक बटन प्रेस कर देना। और मिलते हैं कि नए एपिसोड में इसी तरह के वीडियोज को लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।